अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाहौरी जोन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। टेक्नोलॉजी में घिरी इस दुनिया में साइंसदान जो हैं वो नित नई चीज़ें इजाद करते हैं जिन्हें देखने वाले हैरान होकर रह जाते हैं। ऐसी ही इन चीज़ों में से एक नई तख्लीक का इजाफा जो है वो देखने को मिला है। ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, लेकिन आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में जब टेक्नोलॉजी पहुंचती है तो उसका क्या हशर जो है वो हो चुका होता है। लेकिन फिर भी आप लोग कह लें कि ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जल्द हमारे मुल्क में पहुंच चुकी है और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद जो है वो होने वाली है। सोलर पैनल के बारे में ऐसा कोई ही आदमी होगा जिसे पाकिस्तान के अंदर मालूम नहीं होगा। सबसे पहले इनकी कीमतों की बात कर लेते हैं, उसके बाद जितनी भी टेक्नोलॉजी ये नई पाकिस्तान के अंदर आई है इसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली क्या है कि अक्टूबर के महीने के अंदर जनाब जब डॉलर की प्राइस ऑलमोस्ट आप लोग कह लें कि 170 रुपए थी, तब A1 के जो पैनल थे उनकी कीमत जो थी वो 52 से 60 रुपए पर वाट जो थी वो बनती थी। आज जब डॉलर जो है वो 276 रुपए के ऊपर है तो सोलर पैनल की जो कीमत है वो 100 रुपए से लेकर 125 रुपए पर वाट तक पहुंच चुकी है। इस दौरान आप लोग कह लें कि डॉलर की कीमत के अंदर 62% इजाफा जो है वो देखने को मिला है, जबकि जो सोलर की पैनल की कीमतें हैं उनके अंदर 140% जनाब आप लोग कह लें कि इजाफा जो है वो देखने को मिला है, जो कि आप लोग कह लें कि सरासर ज्यादती है। और इसके अलावा आप लोग कह लें कि हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर आप लोग कह लें कि 0% टैक्स जो है वो भी किया गया है, लेकिन इसकी आप लोग कह लें कि बदमाशी आप लोग कंपनियों की कह लें या आप लोग कह लें कि नाजायज खोरी कह लें, जो भी आप लोग कह लें, इस वक्त सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें जो है वो कर रही हैं। आपको एक नॉर्मल सोलर पैनल जो है वो अगर 150 वाट का है तो वो आपको 15,000 रुपए से नीचे प्लेट बिल्कुल जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आज हमारा ये टॉपिक नहीं है कि कौन सी चीज़ जो है वो किस कीमत के ऊपर मिलेगी, सिर्फ आप लोग को एक नई टेक्नोलॉजी जो है उससे रोशनास करवाना है कि अगर आप लोग भी अपने घर के अंदर पैनल जो है वो लगवाना चाह रहे हैं तो आप लोग जो आप लोग कह लें कि पुराने पैनल हैं शीशे वाले पैनल आप लोग कह लें जो कि हमारी प्लेटों के साथ आते हैं, अगर आप लोग उनको नहीं लगवाना चाहते तो आप लोग के लिए एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलरेडी आप लोग कह लें कि मार्केट के अंदर आ चुकी है और उस टेक्नोलॉजी का नाम जो है वो आप लोग कह लें कि फ्लेक्सिबल सोलर पैनल के नाम से मार्केट के अंदर मौजूद है। आप लोग कह लें कि एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, आप लोगों ने ये वीडियोस भी देखी हैं, आप लोग खुद अंदाजा कर लें कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा कार आमद जो है वो साबित हो सकती है। आप ये जो फ्लेक्सिबल पैनल्स हैं इनको आप लोग अपने घर की छतों के ऊपर, अपनी गाड़ियों के ऊपर आप लोग आपको इसको पैक करके आप लोगों ने कहीं जाना हो घूमने फिरने के लिए तो वहां पर आप लोग ये तमाम टेक्नोलॉजी जो है ये फ्लेक्सिबल जो पैनल्स हैं ये लेकर जा सकते हैं और इससे फायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज जो है वो क्या है कि इसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर कितनी है। तो इसके अंदर आप लोग कह लें कि जो आप लोग कह लें कि 150 वाट का पैनल है फ्लेक्सिबल पैनल, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट आप लोग कह लें कि 20,000 रुपए तक जो है वो मिल जाता है। ये पैनल आप लोग इस पैनल को फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके आप लोग बैग के अंदर रख सकते हैं और उसके बाद आप लोग जिस जगह के ऊपर भी जाना चाहे वहां पर इसको लेकर जाकर आप लोग अपना फायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना थी कि ये नई टेक्नोलॉजी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है, मार्केट के अंदर मौजूद है, आप लोग फ्लेक्सिबल जो पैनल्स हैं इनको खरीदें और इनको आप लोग कह लें कि खरीद कर आप लोग अपने घरों के अंदर इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह किस्म की और नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी।
मेरा सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो अभी तक आप लोग कह लें कि पुरानी सोलर प्लेटें जो हैं वो बाय कर रहे हैं और उसको अपने घरों के अंदर लगा रहे हैं, उनको चाहिए कि ये जो नई फ्लेक्सिबल आप लोग कह लें कि पैनल मार्केट के अंदर आ चुके हैं, इनको अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करें और इनसे आप लोग कह लें कि सारी जिंदगी इसके ऊपर आप लोग चल सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इसके ऊपर आप फॉर एग्जाम्पल कोई चीज गिर भी जाती है तो भी आप लोग कह लें कि ये टूटते वगैरह नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो शीट लगी होती है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल शीट लगी होती है और आपको किसी किस्म का नुकसान जो है वो नहीं करती। अब ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोगों ने पुरानी प्लेट्स जो है उनको बाय करना है या ये जो नई टेक्नोलॉजी इस वक्त मार्केट के अंदर आ चुकी है इसको आप लोगों ने अडॉप्ट करना है, लेकिन इसकी कीमत जो है वो बहुत ज्यादा फिलहाल ज्यादा है। फ्यूचर के अंदर क्या होगा ये आप लोग या हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल आप लोग कह लें कि जो दूसरी प्लेट्स हैं उनकी निस्बत इनकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप लोगों को फ्लेक्सिबल पैनल्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर जनाब रब्ता करें, कोशिश की जाएगी कि आप लोगों के साथ मुकम्मल मार्केट्स जो है उनकी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाए ताकि आप लोग आसानी के साथ इन पैनल को इस्तेमाल जो है वो कर सकें या बाय जो है वो कर सकें। इन पैनल्स के अंदर अभी तक आप लोग कह लें कि सिर्फ और सिर्फ 150 वाट से ऊपर जो पैनल है वो बिल्कुल नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ छोटे वाट की सतह के ऊपर आप लोग कह लें कि ये पैनल मार्केट के अंदर मौजूद है। और जैसे जैसे आप लोग कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता जब मार्केट के अंदर ये पैनल सेल होना शुरू हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देखेंगे कि ये भी मार्केट के अंदर ए ग्रेड के पैनल आपको मिलना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान आप लोग को मालूम है कि इस तरह की दो नवरियां जो है वो हम लोग करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग कह लें कि एक अच्छी चीज जो है वो मार्केट के अंदर आई है, ठीक है, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें, अपने घरों के अंदर लगाएं और आप लोग कह लें कि इससे फायदा जो है वो हासिल करें। तो चलें जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।